सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको माइनक्राफ्ट की सबसे कमाल की टेक्निक बताने वाला हूँ। जी हाँ, आज मैं आपको माइनक्राफ्ट के पॉकेट एडिशन एंड जावा एडिशन की सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा टॉप सीड दूंगा। जी हाँ, टॉप सीड बताऊँगा। इस सीड को मैंने काफ़ी गूगल पर सर्च किया और काफ़ी ज़्यादा जो है मैंने वीडियो सर्च की, उसके बाद मुझे ये सीड मिली जो हमारे माइनक्राफ्ट के पॉकेट एडिशन एंड जावा एडिशन दोनों पे वर्क करती है। और आपको मैं बता दूं, इस सीड के अंदर आपको कमाल के एंटिटी देखने को मिलेगा। जी हाँ, एक ऐसा कमाल का एंटिटी जिससे फाइट करना इम्पॉसिबल है। जी हाँ, दावा किया जाता है कि इस सीड के अंदर कमाल के मिस्टीरियस एंड कमाल का एंटिटी सबसे पहले देखा गया था। तो आज मैं इसी सीड को ज्वाइन करूँगा और पता करूंगा क्या माइनक्राफ्ट के इस सीड के अंदर कोई एंटिटी एग्जिट करता है या नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। और आज इस सीड को मैं हमारे माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट अपडेट में ट्राई करने वाला हूँ, तो पता करूंगा क्या हमारे माइनक्राफ्ट के इस सीड के अंदर कोई एंटिटी एग्जिट करता है या नहीं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे माइनक्राफ्ट के न्यू वर्ल्ड में। तो इसके लिए हमें एक न्यू वर्ल्ड जनरेट करना है, तो सबसे पहले मैं एक नया वर्ल्ड जनरेट कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको एक न्यू वर्ल्ड जनरेट करना है, वर्ल्ड का आपको नाम देना है, उसके बाद आपको ये मिस्टीरियस सीड डालनी है। तो सीड मैं आपको बता देता हूँ, सीड है 8364721699540635241। आपको ये वाली सीड डालनी है। उसके बाद आप अपने हिसाब से सेटिंग ग्राफिक्स ऑन कर सकते हो और अपने वर्ल्ड को जनरेट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं कुछ देर वेट कर लेता हूँ। तो जैसे ही हमारा वर्ल्ड जनरेट होगा तो हमारा स्पॉन पॉइंट कुछ इस तरह का होने वाला है। तो यहाँ पे जो है मुझे शायद स्टोन तो यहाँ पे मिल ही सकता है नीचे। तो मैं सबसे पहले अपने लिए यहाँ से वुड कलेक्ट करके वुड के टूल कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जर्नी शुरू करूँगा। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए जो है वुड कलेक्ट कर लिया है और एक वुड की जो है पिकेक्स, और मैं एक एक्स बना लेता हूँ। पिकेक्स से मैं कहीं पर स्टोन मिलेगा तो वो कलेक्ट कर लूँगा। और अब मैं जो है यहाँ पे जितना भी फूड है वो भी मैं कलेक्ट करता जाऊँगा और अपनी जर्नी शुरू करूँगा। तो मैं इस तरफ जाऊँगा सीधे प्लस की तरफ, ताकि मेरी ये जर्नी कंप्लीट हो सके। तो दोस्तों, चलिए आज की जर्नी मैं शुरू करता हूँ और इस वर्ल्ड को मैं 10,000 ब्लॉक तक एक्सप्लोर करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं नाइट को भी जो है अपनी जर्नी शुरू करूँ, यानी कि मैं नाइट को भी जो है अपनी जर्नी कंप्लीट करूँगा। और अगर मुझे कहीं पर कोई विलेज या फिर कोई एंटिटी या फिर कोई मिस्टीरियस ग्लिच मिलता है तो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए आज की जर्नी हम शुरू कर चुके हैं। तो दोस्तों, मैं ऑलमोस्ट 3,300 ब्लॉक आगे आ चुका हूं, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी विलेज या फिर कोई भी एंटिटी नहीं मिला है। तो मैं अपनी जर्नी इसी तरह से शुरू करूँगा। मैंने ढेर सारा जो है अपने लिए स्टोन की पिकेक्स बना ली थी, रास्ते में मुझे स्टोन मिल चुका था। तो अपनी आगे की जर्नी में कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों, मैं 6,600 ब्लॉक आगे आ चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे सीड के अंदर कोई भी एंटिटी नहीं मिला है और ना ही कोई विलेज मिला है। तो मैं अपनी आगे की जर्नी कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद आप सभी से मिलता हूँ। तो दोस्तों, मैं ऑलमोस्ट 10,000 ब्लॉक कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन मुझे इस सीड के अंदर ना ही कोई एंटिटी मिला है और ना ही कोई मॉन्स्टर। तो हो सकता है कि हमारे माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट अपडेट में अब ये सीड वर्क नहीं करती। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो ओल्ड वर्जन में ट्राई कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।